हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। और एज़ यूज़ुअल आगे हम अगली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जब इमेजेस बनाते हैं तो वो किस तरह की इमेजेस उनके सामने ऑब्जेक्ट रखे जाएं और किस तरह की इमेजेस हमारे पास बनती हैं और उनकी पोजिशंस क्या क्या हो सकती है, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायग्राम से बना रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं एक ये कॉनकेव मिरर जो मैंने लिया है और इसके सामने हमारे पास कंडीशंस हैं, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। द फर्स्ट अगर हम चीज को माने कि हम पहला मान लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो। ऑब्जेक्ट रखा है हमने, लेट बी सपोज एट इन्फिनिटी। जब हम इन्फिनिटी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं अनंत पे रखा है, मतलब ऐसी जगह रखा है जहां से मेजरमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो ज्यादा दूर है। तो मैं आपको जैसे कि बता चुका था कि जब भी इन्फिनिटी पर आपके पास ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो वहां से सभी रेज कंसिडर की जाती है कि वो सभी रेज जो होंगी वो पैरेलल होंगी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के। तो लेट बी सपोज हम हमेशा दो रेज को लेकर बनाते हैं, तो लेट बी सपोज मैं ये कहता हूं कि दो रेज हैं जो आपके पास यहाँ पर कॉनकेव मिरर से टकराई और आफ्टर रिफ्लेक्शंस ये कहां से पास आउट हो गई हैं, फोकस से पास आउट हो गई हैं। और जब ये फोकस से पास आउट होती है तो जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इमेज बनाएंगी। तो हमारे पास यहां पर आ गया, इमेज कहां पर बनी है बेटा, एट फोकस। क्लियर है? अब हमारे पास जो दूसरी चीज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं वो नेचर के बारे में बात करेंगे। ये नेचर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। तो देखो बेटा, आपने देखा होगा कि रियल रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को सच में काटा है, तो इमेज कैसी होगी बेटा, रियल। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। और एक चीज मैंने आपको जब इमेजेस बताया था तो बताया था कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। कैसी होती हैं? इन्वर्टेड होती हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब फोकस पर कोई इमेज बनती है तो वो हाईली डिमिनिश्ड होती है। कैसी होती है? हाईली डिमिनिश्ड। इसको आप दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है पॉइंट साइज। क्या बोल सकते हैं इनको? पॉइंट साइज। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्लियर हो गया है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटिव देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस एंड नेचर कैसा होगा इसका, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश, यानी कि पॉइंट साइज। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होना स्टार्ट हो जाता है कि सर ऐसा है, हमें कैसे पता चलेगा कि सच में इमेजेस बन भी रही हैं या नहीं बन रही हैं। तो चलिए अब हम थोड़े से प्रैक्टिकल वर्क पर आते हैं, एक और चीज देखते हैं कि इस बार हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को शो कर रहे हैं। अब हमारे पास आपको सबको पता हो जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सी। अब हमने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रख दिया है। तो देखो फर्स्ट रूल के मुताबिक, ये फर्स्ट रूल था हमारे पास, कल मैंने चार रूल बताए थे उसको। फर्स्ट रूल, व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस। एंड देन थर्ड रूल बताया था मैंने, व्हेन इंसिडेंट रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिट्रेस इट्स पाथ, ये रिट्रेस कर गई। अब देखो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, रिफ्लेक्टेड रे ये वाली जहां पर एक दूसरे को उन्होंने इंटरसेक्ट किया, वो ये पॉइंट है। ये पॉइंट कहां पर है? सी एंड एफ के बीच में। अब यही हमें बताएगा कि इमेज कहां बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। कैसी है? नेचर की बात करें तो देखो, आपने देखा होगा रियली ये वो रियल रेज जिन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, तो वो कैसी हैं? रियल हैं। दूसरा पॉइंट, रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड होती है। साइज में देखो ऑब्जेक्ट के मुकाबले में कैसी हैं? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटी, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। क्लियर हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं बेटा जी। अब हम क्या करते हैं, मैंने कि जैसे आप कहा था कि एक जादू नहीं है, ये रॉकेट साइंस है, बिल्कुल सिंपल साइंस है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लेकर आओगे इमेजेस की नेचर पोजीशन भी चेंज होती चली जाएगी। तो हम देखते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, मैं यहां पर आता हूं। अब हम सी पर ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो क्या होगा, देयर फर्स्ट रूल, व्हाट इज द फर्स्ट रूल, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस। एंड देन व्हाट अबाउट द सेकंड रूल, फेल हो गया यहां पर, जो हमने सेकंड रूल पढ़ा था कि सी पर से जाएगी, तो सी पर तो ऑब्जेक्ट ही रखा हुआ है, देन इट पास थ्रू द फोकस एंड बिकम पैरेलल। क्या बन गई?
पैरेलल बन गए और जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया वहां पर इमेज बन गई। देन ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है बेटा, इस बार ऑब्जेक्ट प्लेस है एट सी। इमेज कहां बन रही है बेटा, एट सी। ठीक, कैसी बन रही है, नेचर के बारे में बात करें तो सच में एक दूसरे को रियल इमेज निकाटा है तो रियल, रियल होती है तो इन्वर्टेड। ध्यान दीजिएगा, पोजीशंस ऑब्जेक्ट और इमेज की जब भी सेम होगी तो ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन सेम होने के कारण उनका जो साइज होगा वो भी सेम होगा, सेम साइज। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, फोर्थ इमेज के ऊपर। इस बार हम एक काम और करते हैं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और नजदीक लाने की कोशिश करते हैं और वही फोकस, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस बार हमने ऑब्जेक्ट को और आगे रख दिया है। फर्स्ट रूल क्या कह रहा था, व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस, एंड देन व्हाट अबाउट द सेकंड रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। अब देखिए ये यहां पर गई और सी से बिना किसी डिफ्लेक्शंस के, बिना किसी उस चीज के सीधी रिट्रेस कर गई अपने पाथ को। जैसे ही पाथ को रिट्रेस किया, जहां पर एक दूसरे को काटा वहां पर इमेज बनी। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा है बेटा, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां बन रही है बेटा, देखो बियॉन्ड द सी। ये सब चीजें आपको बताने की जरूरत भी नहीं है, आप जैसे डायग्राम देखेंगे आपको खुद समझ में आने लग जाएंगी कि इमेजेस कैसे बन रही हैं और किस कारण से बन रही हैं। अब यहां पर आपके पास नेचर की बात करते हैं, नेचर की बात करें तो देखो सच में इन्होंने रिफ्लेक्टेड रे ने एक दूसरे को काटा है तो रियल में। रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। और एक नई चीज हमारे पास मिल गई है बेटा यहां पर कि इन्वर्टेड के बाद साइज देखिए, अब ये साइज कैसा है, लार्ज, कई जगह एन लार्ज भी बोल सकते हैं इसको, एन लार्ज इन साइज। चौथी इमेज क्लियर हो गई है बेटा। पांचवी इमेज पर आते हैं बेटा हम लोग, छह इमेज इंपोर्टेंट है इसकी, ये पांचवी इमेज है। किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस बार पांचवे ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट एफ, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, फोकस पर रख दिया। रूल्स एंड देन फर्स्ट पास थ्रू द फोकस, एंड देन सेकेंड रूल, थर्ड रूल क्या हुआ था, ओहो ये तो पैरेलल जा रही है बेटा जी, पैरेलल जा रही है। फर्स्ट रेज में देखिए पैरेलल रेज कहां से आई थी, इन्फिनिटी से आई थी, तो नेचुरल है इमेज कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी। अब आप नेचर की बात करिए, कभी ना कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर करेंगी तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। रियल जो होगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, और जहां पर भी बनेगी दूर जाकर बनेगी तो कैसी होगी, वेरी लार्ज, वेरी एनलार्ज। तो आपके पास यहां पर खत्म होती हैं पांच इमेज। ये पांचों इमेजेस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपके पास पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कॉनकेव मिरर में इमेजेस यहां बन रही हैं तो बताइए ऑब्जेक्ट कहां होगा, या ये पूछ लिया जाएगा कि ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है या फोकस और सेंटर के बीच में रखा है तो इमेजेस कहां बनेंगी, कैसी बनेंगी, रियल बनेंगी, इन्वर्टेड बनेगी या नहीं बनेगी, साइज कैसा होगा। तो आपको ये रट्टा नहीं मारना है, आपने बेसिकली ये देखना है कि किस तरीके से कौन से रूल से इमेजेस बनती जा रही हैं। तो हम फर्स्ट और सेकंड रूल, फर्स्ट और थर्ड रूल लगाते जा रहे हैं हमेशा, और जहां पर थर्ड रूल एप्लीकेबल नहीं होगा वहां पर हम सेकंड रूल पर आए थे। ठीक है जी, चलिए अब लास्ट इमेज इसकी और तैयार करते हैं, छठी इमेज के बारे में बात करते हैं बेटा जी। छठी इमेज की बात करते हैं, छठी इमेज में आते हैं हम लोग, सिक्स्थ इमेज हमारे पास क्या हो सकती है इसकी वो देखते हैं। हाँ जी बेटा, सिक्स्थ इमेज की बात करते हैं, हमारे पास वही कॉनकेव मिरर है हमारे पास, अब हमारे पास वही फोकस, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमने इस बार ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रख दिया। ऑब्जेक्ट कहां रख दिया है बेटा, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब रूल्स देखिए बेटा, फर्स्ट रूल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल, और थर्ड रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए बेटा ये वाली जो रेज हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। अब हमारे पास सम रेज आर ट्रेवल फ्रॉम देयर एंड दीज आर नोन एज वर्चुअल रेज, और नेचुरल एज वर्चुअल रेज इमेज भी कैसी बनाएगी, इमेज कहां बनी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर।
ओके, नेचर कैसा आया बेटा इसका? नेचर आया हमारे पास वर्चुअल। वर्चुअल हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती हैं, और साइज में आपको दिख रहा है कैसा है? लार्ज है। तो आपके पास ये छह इमेजेस जो थी जो बन सकती थी कॉनकेव मिरर से, मैक्सिमम इमेज मैंने आज आपको बना के दिखा दी हैं। यहीं पर मैं एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, चलिए कोई नहीं, मैं आपको यहां पर बताता हूं। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से इमेजेस कैसे बनेंगी वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे बेटा, सॉरी।